तो है एवरीवन, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना दोस्तों। तो शुरू करते हैं नए ब्लॉग एक नए दिन के साथ। आज तो बिल्कुल 4:30 बजे का टाइम है और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया हुआ है बिकॉज मैं रात को ड्यूटी पे गया हुआ था। तो चलो देखते हैं यार घर में क्या है कि नहीं, नहीं तो चलेंगे बाहर होटल से खाएंगे। सो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, इसलिए कुछ केनू बचे हैं। सो देयर इज नथिंग, ऊपर के पोर्शन में तो कुछ नहीं। वाह भाई, एवरीथिंग इज क्लोज। सो गैस का डब्बा मेरे ख्याल से खत्म है, वो लेके गए लड़के, वो लेके आ रहे हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ से बाहर सीधा। तो चलते हैं यहाँ से बाहर सीधा और खाते हैं मैगी, बिकॉज मेरा मन कर रहा है मैगी। कितने दिनों से यार मैंने मैगी नहीं खाया हुआ है, तो हल्का हल्का भूख भी लगा है, तो वो भी मिट जाएगा। और मुझे शैम्पू लेना है और कपड़े धोने के लिए मुझे साबुन लेना है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने कपड़े धोए हैं जो कि सूख भी गए हैं, लेकिन साबुन पता नहीं किस बंदे का था, तो मैं उनके लिए ऑलरेडी जा रहा हूँ साबुन लेके आने के। तो उनके लिए मैं साबुन लेके आता हूँ, जिस बंदे के लिए जिधर से मैंने उठाया उधर रहा। अच्छा खासा भूख लगा है, तो इधर साथ में अंदो में एक चाइनीज़ होटल नया बना हुआ है, तो मैं इधर आया हूँ नकाने के लिए, बिकॉज मैंने लंच नहीं किया हुआ है। और लंच में वेज मैगी में लेता हूँ। ऐश मौजूद? ऐश इसमक अब्दुल कादर, अब्दुल कादर इसम हकी। ये देखो मेरा नाम भी अब्दुल कादर है, देखो इधर मेरा नाम भी अब्दुल कादर है। बंगला बालोबाशी, बंगला बालोबाशी। खराब फिकाश तो वकाश फिकाश लेना कम जमंतस शुल में। उसे खाने में बहुत से ऑप्शन थे, सामने वो बुखारी होटल भी है इधर आए, और ये मेडिकल स्टोर है। यहाँ से मुझे अभी अपनी शैम्पू कलेक्ट करनी है जो मैं बालों के लिए यूज़ करता हूँ धोने के लिए। सो अभी वेट हो रहा है अपने ऑर्डर का, तो यहाँ पर जल्दी से लंच करता हूँ और सीधा चलते हैं रूम पे। सो मेरी आवाज़ की क्वालिटी सही नहीं है, अभी मैं सोच रहा हूँ एक नया माइक लेने का। मैंने ऑनलाइन चेक किया हुआ जरीर के साथ मिल रहा है, जो कि अवाले में एक बुक स्टोर है, तो उधर चलेंगे। अगर मुझे कोई और गैजेट पसंद आया तो वो भी लेंगे और माइक भी लेंगे। आज मुझे जाना है ईशा के बाद, पहले चलते हैं यहाँ पर गाना गा दो, और गाना गाने के बाद सीधे चलते हैं बगाले में, और बगाले से हम लोग लेंगे एक साबुन टाइट का और साथ में शैम्पू लूँगा और कपड़े चेंज करके सीधा जाना है जरीर बुक स्टोर पर। सो ये इसकी दुकान है, और बदकिस्मत इससे पेप्सी ठंडा है, जो मैं कोक का पीता हूँ, कोक है नहीं उसके पास, तो चलो इससे आज काम चलाना पड़ेगा। अब्दुल कादर ने मेरे लिए मैगी बना दी, जो कि मैं भी अब्दुल कादर हूँ, ये भी अब्दुल कादर है, लेकिन ये बांग्लादेशी और मैं अफगानिस्तान से हूँ। चलो मुसलमान है अपना भाई है। ए वेपसी मुगफल, और ये मैंने वेज मैगी मंगाया हुआ है जो कि शकरकंदी पोटैटो है, और वेज मैगी मैक्स है, और साथ में ये नींबू, और इस नींबू को निचोड़ते हैं इसके ऊपर, जो कि बहुत ही डिलीशियस अभी बनेगा। इसके लेमन निचोड़ने से इसकी टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। सो अब्दुल कादर भाई आज मेरे लिए खाना सर्व कर रहे हैं, उसको उर्दू नहीं आते। उर्दू मालूम है? उर्दू हाँ, थोड़ा थोड़ा बात कर सकते हैं उर्दू में, हिंदी में बहुत टेस्टी है। स्पेशली जो इसका ये मसाला लगा हुआ है, मसाला जो इसके ऊपर डाला हुआ है, ये बहुत टेस्टी है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने हैं। देखो आज ऑयल कम डाला हुआ है, मैंने इसको समझाया हुआ था कि ऑयल ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो मैं नहीं खाऊंगा, बिकॉज उससे ऑयल ऑयली खाना, चाहे पराठा हो कुछ भी हो, ऑयली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो इसको बिस्मिल्लाह करके मैं चखता हूँ कि टेस्ट कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो फिनिश किया, और क्या मज़ा आया खा के, माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे फिनिश किया कि बस उड़ गया है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, और थोड़ी सी पेप्सी बची है, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बची है, तो इसको मैं पीता हूँ और चलते हैं। मेरे दोस्त की गाड़ी जा रही है, हॉर्न उसने मुझे मेरे लिए मार दिया। सो मैं बगाला आया हूँ, और अंदर चलते यहाँ से एक साबुन लेते हैं कपड़ों के लिए, और साबुन है ये मैंने एक दोस्त का यूज़ किया हुआ था, रूम में पड़ा हुआ था, तो यही लेते हैं उनके लिए। मुझे एक पानी भी लेना है पीने के लिए। हाँ उधर है, अल्हम्दुलिल्लाह बगाले से साबुन तो ले लिया, अभी चलते हैं मेडिकल स्टोर पे और अपने लिए शैम्पू लेना है। सो मैं मेडिकल स्टोर पहुंच गया, तो चलो अंदर चलते हैं और यहाँ से एक शैम्पू लेते हैं डैंड्रफ का। ये शैम्पू बगाले में भी मिलता है, लेकिन उसकी क्वालिटी सही नहीं होती है, और जो मैं यूज़ करता हूँ ये तो सब बॉडी वॉश है, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। सही है। आदर कम आदर कर दिनोस
سو ايه ولا شيمبو مي يوز كرتون هذا مره كويس بس غيره في هذا ولا في انواع هذا في نوع ثاني بس غالي 98 وريني كيف في سو سيتش ولا بي لكن ما يوجوال هيز كو يوز كرتون بيكوز ميري بالي ها جيت بيكوز ميري ابي موسم چینج ہو رہا ہے تو میرے بالوں میں بہت زیادہ یار خشکی بڑی ہے جس کی وجہ سے بہت برا بھی دکھتا ہے یار اور خارش بھی ہوتی ہے سو ایہ والا شیمپو کیسے ہے پلیز کمنٹ کر کے بتانا اس کے بارے میں میں نے اس کو بہت یوز کیا ہوا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے اچھا یہ 98 ریال کا ہے اور یہ 35 ریال کا ہے جو میں پہلے یوز کرتا تھا یہ 35 ریال کا ہے لیکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے اور لانگ لاسٹنگ ڈینٹر پروٹیکشن سوتھ لیسیٹیشن تو یہ بھی صحیح ہے چلو اس کو اس دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں کیسا اس کی افیکٹ کیسی ہے نہیں تو میں یوزولی نیزرول یوز کرتا ہوں یار لیتے ہیں نیزرول کیونکہ ایسا نہیں ہو کوئی اور مشکل ہو جائے بیکاز میں اس کو یوز کرتا ہوں نا تو اس لیے ڈاکٹر خلاص یہاں سے روڈ کراس کر کے چلتے ہیں اور گھر میں جلدی جلدی میں کپڑے چینج کرتا ہوں اور یہاں سے چلتے ہیں حوالے کی طرف جریر بک اسٹور کی طرف لیکن اس وقت ٹریفک بہت زیادہ ہے اور روڈ کراس کرنا بھی بہت بڑا عذاب ہوگا الحمد للہ فائنلی آپ کے بھائی نے شاپنگ ڈن کر لی شیمپو لیا اور صابن میں نے ایک دوست کا یوز کیا ہوا تھا جو روم میں پڑا ہوا تھا تو اس کو واپس کر دیں گے اور یہ میں نے سیدھلیا سے ایک بک لیٹ لیا ہوا ہے جس میں ان کی نیو ایئر آفر چل رہی ہے میڈیکل اسٹور سے کیونکہ مجھے شیمپو اور صابن یہاں سے لینی ہے واہ بھائی مچھر اسپرے مار والے چل رہے ہیں بنگالی بھائی اور کتنا زیادہ ان لوگوں نے یار شور شروع کیا ہوا یہ بھی اپنے گھر والا بندہ ہے جلدی کپڑے چینج کرتا ہوں اور ملتا ہوں اس کے ساتھ کپڑے آلریڈی میں نے اپنے دھوئے ہوئے ہیں تو چلیں نہیں تو یہاں پر بھی کافی خاموش ہے لوگ سب چلے گئے ہیں یار پتہ نہیں سب لوگ کام پہ نکل گئے تو ہم لوگ بھی جلدی جلدی نہا دھو کے فریش ہوتے ہیں اور چلتے ہیں کپڑے آلریڈی میں نے دھوئے تھے صابن اپنا نہیں تھا صابن میرا نہیں تھا صابن دوسرے کا پڑا ہوا تھا روم میں جو کہ آلریڈی سوکھ گئے ہیں کپڑے تو سیدھا چلتے ہیں اور واش روم میں اور نہاتے ہیں بیکاز مجھے جانا ہے الاوالی میں مائک خریدنے کے لیے بیکاز پھر دو دن کے بعد مجھے جانا ہے مدینہ اور وہ لوگوں کے لیے مائک بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے آواز میں بہت پرابلم آ رہی ہے تو اگر مائک کے ساتھ نہ ہو تو بہت برا آواز آتا ہے اس کی وجہ سے بڑی شکایت بھی آ رہی ہے چلو یوٹیوب سے مجھے بہت سجیشن آ رہی ہے کہ آپ کی آواز اور مائک کوالٹی بالکل بیکار ہے مائک میں اپنے پاس ہے نہیں میں سیدھا آئی فون 14 پرو میکس سے بلاگ کرتا ہوں اب کپڑے آلریڈی دھوئے ہیں تو چلتے ہیں اور جلدی سے میں فٹافٹ نہاتا ہوں اور ملتے ہیں فائنلی آپ کا بھائی نہا دھو کے نکل گئے اور آج کل یہ میرا فیوریٹ پرفیوم ہے جو کہ جورجو آرمانی ہے اور یہ میں نے دبئی ایئرپورٹ سے 3.5 سال پہلے لی ہے اور اب تک ماشاء اللہ چل رہی ہے کیا اسمیل ہے اس کی یار اور اوریجنل ہے آرمانی اسٹرانگر ود یو اور کیا زبردست اسمیل ہے اس پرفیوم کی ہاں تم بھی لگاؤ جس نے کیمرہ پکڑا ہوا ذرا ان کو بھی چکا دیتے ہیں لگاؤ یار اس میں کوئی پوری بات اس کو آج پھر ذبح کرنا ہے اگر یہ روم میں رہا تو چلو چلتے ہیں یہاں سے اور باہر میرا ایک بندہ ویٹ کر اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھوڑا سی پرابلم ہے جو کہ کارڈ اس کے اے ٹی ایم نے پکڑا ہوا ہے تو جا کے اس کے کارڈ نکالتے سوئے دھونے لگے ہوئے اپنے لیے بس پتہ نہیں کون سا گپ شپ لگا رہے اور سو یہ میرا بانجا ہے اور اس کی جو شکل ہے ایک فیمس پشتو ایکٹر ہے ان سے ملتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے بتانا کون سی والی پشتو فلم ایکٹر سے ان کی شکل ملتی ہے ضرور بتانا میں ذرا ہینڈ دیتا ہوں جانی اس کی آخری جو نک نیم ہے جانی اس میں آتی ہے باقی آگے والا نام آپ ذرا بتا دیں اور اس وقت ہم دونوں شرائع دو نمبر کے سروس روڈ پہ جا رہے ہیں اور آگے بنگالی جانا ہے جو اس کی اکاؤنٹ میں تھوڑی سی پرابلم ہے یہ ابھی چھٹی کارڈ کیا ہوا ہے اور اس بیچارے کو میں نے اچھا خاصا انتظار بھی کرایا ہے سو آج مجھے جریر بھی جانا ہے مکتبہ جریر بیکاز مجھے اپنا مائک لینا ہے کیونکہ مجھے مدینہ جانا ہے اور مدینہ مجھے 10 دن وہاں رکنا ہے جو کہ زیارت اور فیمس جو بھی تاریخی مقامات ہیں ان کے سیر کرانے اور آپ سب کو میں ویڈیو میں دکھاؤں گا میں آلریڈی وینسڈے کو میں نے ٹکٹ کیا ہوا ہے الحرمین جو پاس ٹرین ہے اس کی میں نے ٹکٹ آن لائن پرچیز کی ہے جو کہ بزنس کلاس ٹکٹ ہے ایک اس میں دو تین کیٹیگریز ہوتے ہیں ایک اکانومی ایک فرسٹ کلاس ایک بزنس کلاس میں نے بزنس کلاس کیا ہوا جس میں ہلکا پھلکا سنیکس بھی ملتا ہے اور بہت آرام دہ ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ذرا ایکسپیرئنس کروں اور یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے الحرمین ریل میں تو چلو انشاءاللہ سیدھا جائیں گے ادھر اور آپ سب کو دکھاؤں گا لیکن 3 دن بعد ابھی نہیں سو آلریڈی میں نے سوٹ ٹیلر سے سلوائے ہوئے ہیں شرائع مجاہدین میں تو میرے کپڑے ابھی ریڈی نہیں ہیں دو سوٹ پٹھانی کرتے میں نے آلریڈی سلوائے یہ شرائع مقبرے کی اشارہ ہے شرائع ایک نمبر کی اور یہ مسجد اس میں رمضان میں تراویح کے لیے ایک کالا اتھو پہ امام آتا ہے
जिसकी आवाज़ इतनी जादुई होती है कि इस पूरे इशारे में दो तीन ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, क्योंकि इतना रश होता है रमज़ान में तरावी के टाइम पे। और क्या कमाल आवाज़ उसकी। इंशाल्लाह अगर मैं रमज़ान में इधर रहा और मैं वतन, मेरा तो प्लान बन रहा है 20 दिन वतन जाने का, अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं ज़रूर आपको उसकी इंशाल्लाह आवाज़ भी सुनाऊँगा और तरावी का मंजर भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा और ज़रूर दिखाऊँगा। और ये मेरे लेफ्ट साइड पर शराय का फेमस मकबरा है, मकबरा शराय, जो कि सबसे बड़ी मकबरा है पूरी शराय में, बेनूत, जिसमें आजकल डिस्काउंट ख़त्म है। मैं तो जो मुझे चाहिए था वो मैंने लिया है, लेकिन फिर थोड़ा अपने परफ्यूम जो टेस्ट है उसको चेंज करूँ। और अहमद अल मगरबी जाने का मुझे बहुत आज कल शौक चढ़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उधर से बिन शेख जो परफ्यूम है वही ले लूँ अहमद मगरबी से, जो कि आज कल जितने भी कॉन्टेंट क्रिएटर है, जितने भी यूट्यूबर है, सब उसकी दुकान में जाकर वीडियो बनाते हैं। और मेरा ख़ुद मन बन रहा है उधर जाने का, बिकॉज वैसे भी मैं छुट्टी जा रहा हूँ तो दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लेने हैं। तो इस वक्त हम लोग जा रहे हैं बैंक में, बस तकरीबन पौने तीन चार मिनट में हम लोग बैंक पहुंच जाएंगे, बैंक अल अहली। सो फाइनली हम लोग बैंक पहुंच गए हैं, तो चलो चलते हैं अंदर बैंक की। सो यहाँ पर नई दुविधा में हम लोग फंस गए और अब तक वो फिंगरप्रिंट नहीं हो रही है, बुरी तरह फंस गए, अब तक उसकी उंगली की बसमा नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो जाए, बांझे की पता नहीं क्या हो जाए, छुट्टी से है वो, इनकी वजन काफ़ी घट गई है, तब हमें उम्मीद करता हूँ कि हो जाए। तो हम लोग का काम तो नहीं बना, अब ये वाला यमानी वाले भाई ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं। सो हमारी ट्राई तो नाकाम रही, काम नहीं हुआ। सो अब जा रहे हैं यहाँ से जबली मूर्ति। सो यहाँ जब लेनूर पे भी हमारा कार्ड प्रिंट नहीं हुआ, अभी शीशा जा रहा है यार। वारी तो आगे ये कामरी वाला चाचू जा रहा है, हम इसके पीछे पीछे जा रहे हैं, बिकॉज शीशा में एक दूसरा ब्रांच है, उसने बताया कि आप लोग हमारे पीछे पीछे आ जाए, वहाँ पर ब्रांच चेक करें अगर वहाँ पर आपका कार्ड प्रिंट हो गया। माशाल्लाह बरजुसा का व्यू चेक करें यहाँ से, और ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर मेरे से दूर होगी। इस वक्त मैं गसाला में, भाई अलगसाला में। सो शीशा में भी काम नहीं बना, बिकॉज वो जो उसका ब्रांच है वो क्लोज है, तो आगे जाके हम लोग अजीजिया में, मैं जो डाउन टाउन है उधर बनाएंगे। आज मैं रसूल खान बांझे के साथ पक्का फंसा हूँ, पक्का। चलो इंशाल्लाह वो कर दे, अगर फिंगर प्रिंट हो गया सीधे जाना है हम लोगों ने, अगले इशारे वाले पे हम लोग हैं रिटर्न मार। लास्ट टाइम है और हम लोग अजिया में आए, और अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ तो सीधा चलेंगे घर पर। आज तो वल्ला घूम फिर के ना तक गए, बुरा हाल है यार, बैंक अल अहली का कार्ड नहीं प्रिंट हो रहा है। ये दोनों का काम नहीं हुआ तो यहाँ से वापस शराय की तरफ चलते, अगर हुआ नहीं हुआ तो सीधा जाएंगे घर, बिकॉज बहुत तक गए, घूम फिर के हालात ख़राब हो गई है। हाँ मुर्गी का है, चलते यहाँ से यार। यहाँ पर तो बिल्कुल सिस्टम ले ही नहीं रहा था, ये तो बिल्कुल ख़राब था। और हम लोग हैं किधर, अजिया में मेन, बिल्कुल तो इस तस्वीर को देखकर आप सब कमेंट करके बताओ कि मेरे भांजे की तस्वीर शक्ल किस पश्तो फेमस एक्टर से मिलता है, और आप सब लोग उनको जानते हैं, जो भी केपीके पाकिस्तान से मुझे देख रहे या वीडियो देख रहे, तो इन सबको पता होगा कि ये किसकी शक्ल से इनकी शक्ल मिलती है। आज इसने मुझे बड़ा ख्वार किया, और अब भी हम अजिया में है और जा रहे शराय की तरफ वापस, बिकॉज कार्ड नहीं प्रिंट हुआ यार। घर में सब सो चुके हैं और हम लोग तक घूम फिर के, मैं जरीर भी नहीं गया माइक लेने के लिए, बिकॉज वो बांझे ने बहुत घुमाया फिरा, वो कार्ड भी नहीं छपा, और उसके बाद हम लोगों ने माइक भी नहीं लिया बिकॉज टाइम नहीं मिला, तो मैं भी आया हूँ और वीडियो को बिल्कुल फिनिश किया। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने मेरे ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। खुदा हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़।